from that. थैंक यू सो मच। चाहेंगे जी, कैसे मिली? एक्चुअली मैंने पहले टेलीविजन किया है, लाइक आई हैव प्लेड द मेन लीड इन द शो कॉल्ड संस्कार ऑन कलर्स। तो उसके बाद आई वांटेड टू ट्राई समथिंग न्यू, आई वांटेड टू ट्राई फिल्म्स। तो ऑब्वियसली टेलीविजन के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप फिल्म्स ही होता है ज़्यादातर लोगों के लिए। तो मैं फिल्म्स के लिए ट्राई कर रही थी, और उसके पहले मैंने अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए थिएटर वर्कशॉप भी किया नीरज कबीर के साथ। एंड फिर द कास्टिंग डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म, ही कॉल मी फॉर एन ऑडिशन एंड आई केम एन ऑडिशन। मैंने एक्चुअली शमा और मून दोनों रोल के लिए ऑडिशन किया था। तो आई फाउंड दिस कैरेक्टर लाइक वेरी इंटरेस्टिंग, एंड जब मुझे पता नहीं था जब मैं ऑडिशन के लिए आई, तो वो लाइक जो शमा का रोल है, इट्स शी इज़ अ मराठी गर्ल एंड शी इज़ अ बार डांसर। सो आई वाज रियली शॉक्ड बिकॉज टेलीविजन पे यूजली मैंने जो रोल्स किए हैं, जो मेरा रोल था लास्ट शो में, शी वाज एन NRI अमेरिकन रिटर्न। तो ये मराठी लड़की का और जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, ऐसा रोल करने के लिए इट वाज लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट और पूरा डिफरेंट था। तो इसलिए आई वाज शॉक्ड कि मुझे करना पड़ेगा, आई हैड टू कैच अ लिंगो, यू नो, अपुन का मेरे को तेरे को ये वाला लिंगो पकड़ना पड़ा था। तो बट अच्छे से हो गया ऑडिशन, मैंने दे दिया ऑडिशन, देन फाइनली दे कॉल मी एंड दे शॉर्टलिस्ट मी फॉर दिस रोल शमा, एंड दे सेड कि मैंने अच्छा पकड़ा है उसका जो भी है। एंड देन दे अगेन टुक अ लुक टेस्ट एंड या आई थिंक आई फिट इन द कैरेक्टर, सो आई गॉट द रोल। एक्चुअली काफ़ी होमवर्क करना पड़ा क्योंकि मैं, मेरा जो मदर टंग है, आई एम बेसिकली फ्रॉम असम, तो मराठी से दूर दूर तक मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं है, और ये नॉर्मल मराठी भी नहीं था। दिस वॉज लाइक जो चालू वाला मुंबई या लैंग्वेज है वो था, एंड शी इज़ वेरी लाउड ऑल्सो। तो काफ़ी होमवर्क करना पड़ा, उनको एक तकिया कलाम चाहिए था, तो इस मूवी में मैं बात बात पे करके करके बोलती हूँ, लाइक हर सेंटेंस के बाद मैं बोलती हूँ कि ऐसे करके और वैसे करके। तो काफ़ी होमवर्क करना पड़ा। मैंने बहुत सारे ऐसे बार डांसर्स के रियल लाइफ इंटरव्यू भी यूट्यूब पे देखा है, लाइक वो लोग किस तरह से बात करते हैं एंड उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा होता है। तो यह बहुत होमवर्क मैंने किया था, और उसके अलावा उन्होंने वर्कशॉप भी किया था मूवी के पहले, तो दैट हेल्प्ड मी अ लॉट वर्कशॉप करके। या इनिशियली टू बी ट्रू मुझे बहुत डर लगा था, लाइक मुझे लगा था आई कान पुल इट ऑफ, लाइक एक दो बार वर्कशॉप में भी मुझे लगा था नहीं हो पाएगा। बट देन फिर मैं घर जाके भी रिहर्सल करती थी, और मैंने जैसे कहा कि आपको वीडियोस देखा मैंने रियल लाइफ बार डांसेस की, वो लोग कैसे बातें करते हैं, तो वो करते करते अपने मेरे अंदर ही वो शमा का सोल आ गया, इट वाज लाइक दैट। तो मैं घर पे भी ऐसे बातें करने लगी कि खाना खा के मेरे को ये दो करके एंड दैट टाइप ऑफ थिंग। तो ये मेरा मतलब फिर मुझे लगा कि आई डिड कम्प्लीट जस्टिस टू इट। या बिल्कुल, हमने बहुत इम्प्रोवाइजेशन किया, और डायरेक्टर से भी उनके इनपुट लेते थे, उनके जो क्रिएटिव डायरेक्टर थे उनके भी इनपुट्स काफ़ी लिया है। एंड हम लोग जैसे करते करते सीन के बीच में कुछ याद आता है कि ये करते हैं, ये अच्छा होगा, ये फ़नी होगा। एक्चुअली मेरा कैरेक्टर थोड़ा फ़नी है लाइक, तो उसको मोर कॉमिक बनाने के लिए तो हमने बहुत सारे इम्प्रोवाइजेशन किया जो स्क्रिप्ट में नहीं था। तो मैं अपना भी इनपुट देती थी, डायरेक्टर अपना देते थे, तो वैसे करके अभी भी मैं करके बोल रही हूँ तो वैसे करके करके हो गया। ठीक है, कितनी उम्मीदें आपको इस फिल्म से, और ये फिल्म है
स्टार होती है या बड़े ब्लॉकबस्टर होते हैं, तो कौन से स्टार्स होंगे जिनसे आप काम करना चाहेंगे, कौन से आपकी फेवरेट एक्ट्रेस जानना चाहेंगे आप? उम्मीदें तो बहुत है इस फिल्म से, तो और ये प्रे करती हूँ मैं कि ये बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो, हिट हो. और अगर बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट नहीं भी होता है तो आई बिलीव कि कोई भी अच्छी प्रोडक्ट में आप काम करते हो तो आपको एक पुश मिलता है, तो उससे आप दिखते हो और लोगों को पता चलेगा कि हु शामिन मनान. क्योंकि टेलीविज़न जब हम करते हैं तो वी आर बेसिकली नोन बाय आवर कैरेक्टर नेम्स, कोई हमारे रियल नेम जानते भी नहीं है. आई हैव प्ले दिस रोल कॉल भूमि अपने लास्ट शो में, तो मुझे अभी भी लोग स्पॉट करते हैं मॉल्स में कहीं पे भी रोड पे, तो भूमि भूमि बुलाते हैं, तो कोई शामिल नहीं जानते. बट आप जब मूवी करते हो यू नोन एज बाय योर रियल नेम. तो सॉरी व्हाट वाज द क्वेश्चन, व्हाट वाज द क्वेश्चन? हाँ राइट, तो ऑब्वियसली ये फिल्म चलेगी तो सबका जो मैं इस फिल्म में जो मेन कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं उन सबका एक अपना आइडेंटिटी क्रिएट होगा, तो आई विल बी रियली हैप्पी. एंड फिर अगर ब्लॉकबस्टर होती है एंड आई गेट अ चांस टू चूज़ कि मैं किसके साथ काम करना चाहती हूँ, ऑब्वियसली मेरा फेवरेट शाहरुख खान है. आई मीन इट्स अ क्लीशे नाउ कि शाहरुख तो सबकी फेवरेट होती है, तो मैं चाहती हूँ कि लाइफ में एक ऐड ही सही मैं कुछ तो उनके साथ काम करूँ, सेम फ्रेम में उनके साथ दिखूं, तो ये मेरा एक ड्रीम है. भले एक ऐड ही हो या व्हाटएवर या मूवी हो तो बात ही अलग है. और वो मेरा फेवरेट एक्टर है एंड आई वुड लाइक टू वर्क विद रणबीर कपूर. एंड माय फेवरेट एक्ट्रेस इज दीपिका एंड करीना. थैंक यू, आई होप सो. थैंक यू सो मच. For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.